हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न चाट। ये स्वीट कॉर्न से बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। इसको बनाने में केवल 10 मिनट लगते हैं और स्वाद में ये थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी बनती है। ओवरऑल इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए देखते हैं कॉर्न चाट बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रीडियंट्स की नीड है। सबसे पहले मुझे स्वीट कॉर्न को थोड़ा बटरी फ्लेवर देना है। उसके लिए मैंने एक गैस पे एक पैन रखा है और उसमें मैंने एक छोटी चम्मच बटर डाला है। बटर मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें एक कप के करीब स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, यानी कि फ्रोजन वाले हैं, जिसको मैंने फ्रिज में से निकाल के थोड़ा सा उबाल लिया था। आप चाहें अगर तो फ्रेश कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसको आप पहले बॉइल कर लें। स्वीट कॉर्न को मैं 3 से 4 मिनट के लिए सौते करूँगी ताकि उसमें बटर का फ्लेवर आ जाए। स्वीट कॉर्न अच्छे से सौते हो गए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। एक दूसरे बोल के अंदर सौते करे हुए स्वीट कॉर्न डालेंगे। आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप के करीब कटा हुआ प्याज, 20 से 25 अनार के दाने, कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 कप के करीब कटा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है और ये जो हमारी कलरफुल सी सुंदर सी कॉर्न चाट रेडी है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी है। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप इस इजी सी कॉर्न चाट की रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी डिश कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।